अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। वेलकम बैक टू वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारे जहाज के साथ कोई छोटा जहाज खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इट्स अ वेरी स्मॉल शिप राइट। क्या कर रहे हैं हमारे जहाज के साथ? मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आर फ्रॉम मर्चेंट नेवी उनको ये बात ऑलरेडी पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं आज एग्जैक्टली यही बात बताऊंगा। आई हैव एक्सप्लेन इन मैनी ऑफ माई वीडियोज़ के जहाज बेसिकली एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जहाज का इंजन बहुत बड़ा होता है। जहाज के इंजन की वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इतना बड़ा इंजन और इतना बड़ा जहाज जब होगा और जब वो चलेगा तो जाहिर बात है वो फ्यूल भी ज़्यादा खर्च करेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ फ्यूल राइट। मेरा लास्ट शिप जो था वो तकरीबन खर्च करता था एक दिन के अंदर 56-57 टन्स। लीटर्स की बात नहीं हो रही, टन्स की बात हो रही है। इससे पहले मैंने एक VLCC किया हुआ था एंड दैट यूज टू टेक अराउंड 65-66 मेट्रिक टन्स पर डे। और LNG कैरियर जो मैंने किया था क्लीन पावर 80 टन पर डे। कंजप्शन देख रहे हैं आप। अब इतनी कंजप्शन जब जहाज़ पे होती होगी तो हमें जाहिर बात है वो फ्यूल कहीं ना कहीं से लेना भी पड़ता होगा। उस फ्यूल को लेने का एक तरीका ये है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बेसिकली वट इज़ हैपनिंग इसके यहाँ पर ये एक छोटा जहाज़ है। ये जहाज फ्यूल को लेके आया है। इस जहाज का बेसिकली काम ये है कि ये सिर्फ अपने अंदर जहाज़ों का फ्यूल ऑयल रखता है और जब किसी जहाज को फ्यूल ऑयल की जरूरत होती है तो ये वहां पे जाता है और उसको फ्यूल ऑयल देता है। ये थी एक बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी। नाउ टॉकिंग इन टू मोर ऑफ द डिटेल्स, हमारे पास जब भी कोई वॉयज आता है तो हम कैलकुलेट करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमें कितना फ्यूल ऑयल चाहिए होगा। फिर हम उसमें अपना सेफ्टी मार्जिन रखते हैं विच इज़ अराउंड 25%, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उससे तकरीबन 25% ज़्यादा तेल अपने पास कैरी करें। अगर वॉयज बहुत लंबा हो और हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूल अपने पास ना रख सकें, जो कि होता मेरे ख्याल में कभी भी नहीं है, हमारे पास स्पेस इनफ होती है फ्यूल ऑयल की, लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा हो तो फिर हम दरमियान में कोई ऐसी पोर्ट ढूंढते हैं जहाँ से हम वो बंकरिंग कर सकें। बंकरिंग बाय द वे इस फ्यूलिंग ऑपरेशन को कहा जाता है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट कंपनी को बताते हैं बिकॉज वी टेल देम टू डू इट ऑन आर बिहाफ। कंपनी उसके बाद बंकर सप्लायर को ढूंढती है और उसको अरेंज करती है। साथ ही वो हमें मैसेज भेजते हैं कि कैप्टन प्लीज़ गो टू दिस पोर्ट, हमने आपकी बंकरिंग यहाँ पे अरेंज कर दी है। फिर हम उस पोर्ट में जाते हैं और उस पोर्ट में फिर इस किस्म का एक जहाज़ आता है जो कि फ्यूल ऑयल लेकर आता है। और बाय द वे ये पोर्ट जहाँ पर हम खड़े हुए हैं दिस इज़ लुआंडा अंगोला। एट द सेम टाइम हमें अपने एंड पे भी प्रेपरेशंस करनी होती हैं। हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हमारे पास इतनी अनफ स्पेस मौजूद हो जिसके अंदर वो तेल आ सके। और फिर उसके बाद अगला सवाल, बेसिकली इस जहाज़ से हमारे जहाज़ पे फ्यूल ऑयल आता किस तरीके से है? इस जहाज़ ने जो फ्यूल ऑयल लोड किया हुआ है वो ये अपने कार्गो पंप से ला के डिस्चार्ज कर रहा होता है। एक होज़ होता है जो कि इसके मैनीफोल्ड से हमारे मैनीफोल्ड तक आ रहा होता है। मैनीफोल्ड बहरहाल उस जगह को कहा जाता है कि जहाँ से आप तेल को लोड करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं, वो जगह जो कि आपके पाइपलाइन से कनेक्टेड होती है, होल के उसके ऊपर कनेक्शन लगा सकते हैं। फिर एट द सेम टाइम चूंकि उस होज़ के अंदर फ्यूल ऑयल मौजूद है तो उसका अपना वज़न भी होता होगा, उसको हमारी क्रेन और इसकी क्रेन सपोर्ट करती है, उस होज़ को उठा के रखती है ताकि ऐसा ना हो कि अपने वज़न से वो डिस्कनेक्ट हो जाए, डैमेज हो जाए। डैमेज हो गया तो पोल्यूशन होगी ना, और अगर पोल्यूशन होगी तो देन दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम, वो फिर एक बड़ा इशू है। फिर इसी बात से जनाब रिलेटेड एक बात और ये भी है कि हमें चूंकि पता है कि रिस्क ऑफ पोल्यूशन एग्जिस्ट्स, खुदा ना खास्ता इन वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि पोल्यूशन हो जाए, तो हम फिर अपना सोपेप इक्विपमेंट रेडी करते हैं। सोपेप इक्विपमेंट का मतलब आसान अल्फाज में ये है कि वो सारा का सारा सामान जिसको कि हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब जहाज़ पर खुदा ना खास्ता पोल्यूशन हो जाए, और वो सारा का सारा सामान जो कि हमें पोल्यूशन को टैकल करने में मदद देगा, जो कि हमें इस चीज़ में मदद फराहम करेगा कि जो तेल जहाज़ पे निकल आया है हम उसको इकट्ठा कर सकें, जमा कर सकें, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें, उसको सिक्योर करके रख सकें और उस ऑयल को हम पानी में ना जाने दें। बहरहाल ये छोटी सी डेफिनेशन होगी सोपर की। प्रोसीजर के साथ अगर हम फर्दर जाएं तो जब ये दोनों के दोनों होजेस कनेक्ट हो जाते हैं तो वो जहाज़ पंपिंग स्टार्ट करता है, तेल को अपने जहाज़ से निकालना शुरू करता है और हम अपने एंड पे अपना लाइनअप पूरा का पूरा कर लेते हैं आगे से लेके पीछे तक। हार्ड लाइन बिछी हुई है मैनीफोल्ड तक, उस हार्ड लाइन के अंदर वॉल्व्स हैं जो कि हमें खोलने होते हैं, बंद करने होते हैं, फिर आगे डिफरेंट टैंक्स हैं। हमें उस लाइनअप को इस तरीके से अरेंज करना होता है कि जब वहाँ से फ्यूल ऑयल आए तो वो सीधा आके उसी टैंक में गिरे जहाँ पे हम लेना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम चीफ इंजीनियर्स पर अरेंजमेंट आ गई, ये कराते हैं कि वो अपने साथ रखते हैं थर्ड इंजीनियर को, फोर्थ इंजीनियर को,
और ड्यूटीज़ उनकी ये होती हैं कि जब तेल आ रहा हो टैंक में तो उन्होंने इस तेल के लेवल को मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर वहाँ पे पोल्यूशन ना हो तो दूसरी पोल्यूशन फिर तब हो सकती है कि खुदा ना खासा अगर आपका टैंक ओवरफ्लो हो जाए, क्योंकि लाजमी नहीं होता कि हमेशा एक ही टैंक में आपने बंकर लेना हो। समटाइम्स बंकर क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है तो वो एक से ज़्यादा टैंक्स में पी ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल आज हम जो बंकरिंग कर रहे हैं हम दो टैंक्स में ले रहे हैं क्योंकि एक टैंक के अंदर वो तेल पूरा नहीं आता। फोर्थ इंजीनियर थर्ड इंजीनियर ये उसकी साउंडिंग को मॉनिटर करते हैं। साउंडिंग स्टैंड्स फॉर कि एक टैंक के अंदर बेसिकली ऑयल का लेवल कितना आ गया। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है हम कहते जाते हैं कि साउंडिंग बढ़ रही है टैंक की, और लेवल कम होता जाता है तो साउंडिंग कम हो रही है टैंक की। फिर उसके बाद हमारे पास कैलिब्रेशन टेबल्स होते हैं जिनमें ये लिखा हुआ होता है कि कितना टैंक कितनी कैपेसिटी का है, और उस टैंक में अगर साउंडिंग इतनी हो तेल का लेवल इतना हो तो बेसिकली आपके पास तेल होगा कितना। इस तरीके से हम अपने बंकर को मॉनिटर करते रहते हैं, वो जहाज़ पंप करता रहता है, हम रिसीव करते रहते हैं, और हम साथ साथ ये कैलकुलेट करते रहते हैं कि हमारे पास कितना बंकर आ गया है। वंस ऑल ऑफ द बंकरिंग प्रोसीजर इज़ डन, जब वो कह दे कि उसने बंकर हमें दे दिया और हम जब कह दें कि हाँ जी हमने बंकर रिसीव कर लिया, तो फिर बेसिकली बारी आती है गेजिंग की, यानी कि वो अपने पास चेक करता है कि उसने एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी दी, क्योंकि बड़े जहाज़ हैं, पेट्रोल पंप तो है नहीं कि आपने उसको कहा कि जी 100 रुपये का पेट्रोल डाल दें और वो एग्जैक्टली मीटर 100 पर रुक जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। होता 2-4 टन ऊपर नीचे होता है, 2-4 टन का मतलब है कि अराउंड 2,000-5,000 लीटर आगे पीछे होती है क्वांटिटी। वैन वी एग्री ऑन द फिगर्स कि हाँ जी ठीक है हम इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि हमने इतना रिसीव कर लिया, वो कहे जी मैं इस चीज़ पर एग्री करता हूँ मैंने इतना दे दिया, तो फिर उसके बाद साइन होता है बंकर डिलीवरी नोट यानी कि BDN। और बंकर डिलीवरी नोट जब साइन हो जाए तो फिर कंपनी को उस अमाउंट की पेमेंट करनी होती है जो कि BDN के ऊपर लिखा हुआ होता है। और जब ये बंकर हमारे पास आ जाता है तो फिर उसके बाद हम अपना एंकर उठाते हैं और चल पड़ते हैं। बहरहाल दिस इज़ वन वे ऑफ बंकरिंग, दिस इज़ वन वे ऑफ टेकिंग अ फ्यूल, दिस इज़ वन वे ऑफ रिफ्यूलिंग अ शिप। और फिर इसके अलावा हम जब बर्थ्स पे जाते हैं तो कुछ टर्मिनल्स के ऊपर भी बंकरिंग हो रही होती है, वहाँ पे हार्ड लाइंस बिछी हुई होती हैं, उनकी हार्ड लाइन से फिर एक सॉफ्ट लाइन हमारे पास आती है, होज जिसको हम कहते हैं बंकरिंग होज, वो फिर कनेक्ट होता है, फिर उसके बाद टर्मिनल बेसिकली पंप करता है अपने शोर टैंक्स में, फिर वो जहाज़ नहीं होता। लेकिन बहरहाल दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे, द मोस्ट ईजीएस्ट वे फॉर अ शिप ऑफ आवर साइज, कि हमारे जितने बड़े जहाज़ को पोर्ट के अंदर जाना और पोर्ट के अंदर वापस आना पोर्ट चार्जेस बहुत बन जाएंगे। तो आसान तरीका और सबसे सिंपल तरीका हमारे लिए यही है कि कोई इस साइज़ का जहाज़ आए और हमें आके बंकर दे के चला जाए और बाद में हमारी कंपनी उसको ऑफिस से पेमेंट कर दे। आप इसको ऐसा समझ लें कि ये चलते फिरते पेट्रोल पंप्स हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। आई ट्राई टू कन्वे यू ऑल द थिंग्स दैट माइट बी ऑफ योर इंटरेस्ट। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपको किसी तरीके से कोई नई बात पता लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माय ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज़ मी ज़ाहिद निसार, आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।